श्री कृष्ण लीला। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चतुरय से उन्हें मोहित करते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ भाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूँ? ब्रज में सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है, और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप पति पुत्र भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में ना डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा है। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से ये रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो, और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाली शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया है। हे सतियो, अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र व्रज लौट जाओ। अपने पतियों की सेवा स्पृशा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गुओं के बछड़े रो रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गुएं दूहो। अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो, तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देख कर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग ना करें। भली ही वह बुरे स्वभाव वाला भाग्यहीन वृद्ध मूर्ख रोगी या निर्धन ही क्यों ना हो, कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका प्रलोक बिगड़ता है और स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। ये कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे, ये साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसी अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ये अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास और खिन्न हो गईं। उनकी आशा टूट गई, वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतरने लगीं। उनके बिंबा फल के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए, वे पैर के नखूनों से धरती कुरेदने लगीं। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वह कुछ बोल ना सकीं, चुपचाप खड़ी रह गईं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अत्यंत अनुराग परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता भरी बात सुनी, जो बड़े ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे गला रुंध गया। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगीं। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता से भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से, जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो, तुम्हारा ये कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वय धर्म है, अक्षरश ठीक है। परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए।
क्योंकि तुम ही सब उपदेशकों के परम पद हो, साक्षात भगवान हो, तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गतिमति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे हैं, फिर भी हम ब्रज में कैसे जाएं, और यदि वहां जाएं भी तो करें क्या। प्राण वल्लभ हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है, उसे तुम अपने अधरों की रस धारा से बुझा दो। नहीं तो प्रियतम, हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन ये सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्रों की तो सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी प्रतिद्वंद्वता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौर तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उन चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उस चरण रज की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली उनके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए, अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रियतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है, पुरुष भूषण पुरुषोत्तम तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन से हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है, हमारा रोम रोम उससे जल रहा है, तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो।